अभी नेक्स्ट हमारी क्या है, हमारे पास है 1.5। इसमें क्या क्या है, टू स्टील प्लेट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ 16 मिलीमीटर डायमीटर हाई स्ट्रेंथ स्टील बोल्ट्स। ये बोल्ट जो है इसका डाया कितना है जी, 16 मिलीमीटर का बोल्ट है हमारे पास। देन वो क्या कह रहा है, स्टील बोल्ट्स फिटिंग इनसाइड सिलेंडरिकल ब्लास्ट स्पेसर। यहाँ पे हमारे पास स्पेसर है, यहाँ पे ना इस जगह पे ये स्पेसर हैं उसने क्या ऐड किए हुए। और ये क्या है, उसने ब्रास के नोइंग दे दी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड, स्ट्रेस जो हमारे पास है वो जी वो 200 MPa किस चीज के अंदर, इसको स्ट्रेस बी बोल्ट कह देते हैं। एंड देन स्ट्रेस सी कह देते हैं स्पेसर में 130 MPa, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। डिटरमाइन द आउटर डायमीटर ऑफ द स्पेसर दैट यील्ड द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सेफ डिजाइन। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा आउटर डाया, इनसाइड डाया तो उतना ही होगा जितना बोल्ट का ऑलमोस्ट, आउटसाइड डाया वो कह रहे हैं कि हमने फाइंड करना है। अच्छा ये बात आप याद रखें कि जब आप यहाँ से नाइट जो है वो टाइट कर रहे हैं तो स्पेसर के ऊपर इस तरफ का फोर्स लगाएगा, ऐसे ही है स्पेसर और नट ऊपर से भी इस तरफ का फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली स्पेसर के अंदर कंप्रेशन हो रही है और वो कंप्रेसिव फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्या हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका बोल्ट है वो फोर्स लगा रहा है एंड देन स्पेसर अगेंस्ट उसके फोर्स लगा रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों जो फोर्सेज हैं वो क्या हैं, बराबर होंगी। बराबर मतलब पी बी जो बोल्ट लगा रहा है, पी स्पेसर एस के बराबर, तभी ये यूनिफॉर्म होगा। अगर बोल्ट ज़्यादा फोर्स लगा लेगा तो ये टूट जाएगा स्पेसर, अगर कम फोर्स कम तो वो लगा नहीं रहा होगा, क्योंकि जितनी फोर्स लग रही है उतनी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो पी बी इज इक्वल टू पी एस हो गया। अब सबसे पहले हम स्ट्रेस ऑफ बोल्ट फाइंड करते हैं, वही पी ओवर ए फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या लग रही है उसको मैं पी बी कह देता हूँ कि बोल्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, और पाई बाय फोर डी इसको भी बी स्क्वायर कह देते हैं। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो फोर पी बी ओवर पाई डी, ये बी बोल्ट का मैंने लिख दिया, ये फार्मूला बन गया। अब स्ट्रेस इन स्पेसर सी की बात कर लेते हैं, स्पेसर एस से होता है, एस की बात कर लेते हैं जी, एस लिखते हैं इसको स्पेसर को। अच्छा एस, एस की बात करते हैं पी ओवर ए। अब ये पी एस ओवर पाई बाय फोर, अब देखें स्पेसर ऐसे है ऐसे, और इसका एक इनर डाया भी है, इनर डाया मैंने आपको बताया उसके अंदर से बोल्ट गुजरा हुआ है, उसको हम बोल्ट जितना ले लेते हैं, आउटर डाया को हम कुछ और कह देते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, डी आउटर डाया स्पेसर का माइनस इनर वाला तो जी बोल्ट का ही हमारे पास बोल्ट का डाया, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाता है जी, पाई बाय फोर, ये फोर ऊपर चला जाएगा, और हम इसको पी की फॉर्म में लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को भी पी की फॉर्म में लिख लेते हैं, पी बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाय फोर स्ट्रेस बी, स्ट्रेस बी इंटू डी बी स्क्वायर, पी बी की फॉर्म में, इसको भी हम पी बी की फॉर्म में सीधा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है जी पाई बाय फोर, सॉरी पी एस स्पेसर, और इसमें जी बनता है स्ट्रेस स्पेसर की, स्पेसर का डाया माइनस बोल्ट का डाया, ये हमारी, अब हमने कहा था पी बी इज इक्वल टू पी एस, दोनों इक्वल कर लेते हैं, पाई बाय फोर स्ट्रेस बी डी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाय फोर स्ट्रेस एस डी एस स्क्वेयर माइनस डी बी स्क्वेयर, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हम इसकी वैल्यूज पुट करें, कौन कौन सी वैल्यूज हमें गिवन है जी, हमें दो स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, पी हमें नहीं गिवन, वो हमने बताया था दोनों इक्वल हो गए हैं, एंड देन हमें डाया एक गिवन है 16 मिलीमीटर, डी बी गिवन है, डी बी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ डी एस नहीं गिवन है हमारे पास, ऐसी है। तो डी एस हमारे पास अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज, ये भी बोल्ट की भी, ये स्ट्रेस की वैल्यू, बोल्ट के डाया की वैल्यू, बोल्ट के डाया की वैल्यू, ये स्ट्रेस गिवन है, सिर्फ डी एस अननोन था। तो डी एस हमारे पास 25, हमारे पास कोई भी वैल्यू एक आंसर आ जाएगा, आंसर लिख रहा था मैं।